नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा एमपी एपेक्स बैंक के बारे में। तो मध्य प्रदेश से जो एपेक्स बैंक है तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा बैंक के ऊपर डिस्कस करने का मौका मिला है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे, सर कोई बैंक का जॉब नहीं है क्या? हाँ, अभी एक जॉब आया हुआ है। अभी जो मेजर पॉइंट है इसके बारे में मैं बात करूँ तो आपको मध्य प्रदेश में जाकर ही इस जॉब को करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वहाँ पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस है। तो वहाँ पे ही आपको ऑफर किया जा रहा है, 638 ब्रांचेस है जहाँ पे आपको मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर एंड अदर्स पोस्ट के लिए ऑफर किया जा रहा है। तो डिटेल्स में वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ जॉब के जो बाकी डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन, सैलरी पैकेज, एज लिमिट, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस जॉब के इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आप इस जॉब के डिटेल्स के बारे में। तो एक मध्य प्रदेश से कॉरपोरेट बैंक के ऊपर जो ऑफर किया जा रहा है, और इस कॉरपोरेट बैंक के ऊपर जो जो ऑफर किया जा रहा है वो टोटली आपको 638 वैकेंसीज दिया गया है। मध्य प्रदेश में ही आपको जॉब मिलेगा। तो टोटल जो जॉब है उसके बारे में बात करूँ तो अलग अलग कैटेगरीज के वाइज है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 35 पोस्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर 35 पोस्ट, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 29 पोस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल ऑडिटर्स के लिए 25 पोस्ट, इंटरनल इंस्पेक्टर के लिए 17 पोस्ट, ऑफिसर्स सुपरिंटेंडेंट के लिए आपको 12 पोस्ट, ब्रांच इंस्पेक्टर के लिए 17, ब्रांच देखा जाए तो मैनेजर के लिए 2,367, असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर के लिए 27। तो साथ ही साथ सब इंजीनियर के लिए 8, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अलग अलग पोस्ट है, अकाउंट्स के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, तो सबके लिए अलग अलग पोस्ट है। उस पोस्ट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो जनरल के लिए 18 से 40 ईयर्स, ओबीसी के लिए 43 ईयर्स एंड SC ST के लिए 18 से 45 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है। सैलरी सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर होगा रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू, इस दोनों प्रोसीड्यूर के माध्यम से आपको सिलेक्शन होना पड़ेगा। सैलरी पैकेज देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, मार्केटिंग ऑफिसर एंड इंटरनल ऑडिटर, तो एक कुछ कैटेगरीज के लिए 42,000 से 1,35,000 तक सैलरी मिलेगा। बाकी ब्रांच मैनेजर, ब्रांच इंस्पेक्टर, इंटरनल इंस्पेक्टर, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, तो इस कुछ पोस्ट के लिए 36,000 से 1,14,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। और बाकी जो पोस्ट है जैसे असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर से लेकर कंप्यूटर प्रोग्रामर तक आपको 32,000 से 1,03,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। तो अच्छा खासा सैलरी पैकेज है, जाकर आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। SC ST फिजिकल हैंडीकेप के लिए आपको 250 रुपीज़ देना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आपको BA BTech कंप्यूटर साइंस के ऊपर पास आउट होना चाहिए। सब इंजीनियर के लिए आपको BA BTech होना चाहिए। असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर के लिए आपको MBA पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल की एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्पेशलिस्ट सॉरी देखा जाए तो मतलब ऑफिसर के लिए आपको मतलब MBA पास आउट मस्ट भी होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी MBA है। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए, और साइंस मतलब देखा जाए अकाउंट्स पोस्ट के लिए आपको MBA होना चाहिए फाइनेंस के ऊपर। तो जो जो पोस्ट है वही पोस्ट का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। 9 तारीख इसका लास्ट डेट रहेगा, मतलब अप्रैल माह में, उससे पहले अप्लाई जरूर करना होगा। 10 मार्च से अप्लीकेशन शुरू हो चुका है। कहाँ से अप्लाई करेंगे उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, इस लिंक में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको लिंक नहीं मिला तो आप टेलीग्राम में जाकर इस वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा। इस वेबसाइट के नीचे आएंगे तो अलग अलग लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन और अप्लाई बटन। तो नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा, जो सारे इन्फॉर्मेशन मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, बोल चुका हूँ, वही डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो उसके बाद आपको अप्लाई बटन में क्लिक करना होगा, तो इस पेज ओपन हो जाएगा। पहले आपको रजिस्टर में क्लिक करना होगा, तो क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर वगैरह डालना होगा। उसके बाद आपका फोटो एंड सिग्नेचर आपको अटैच करना होगा। फोटो एंड सिग्नेचर आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना, आपका फोटो मैं एक ईमेल एड्रेस दूंगा, वहाँ पे आपको फोटो भेजना, उस फोटो को मैं रिसाइज करके आपको भेज दूंगा। तो डिटेल्स आपको भरना होगा, मतलब आपका क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस बुक डालना होगा।
रिव्यू करके देख लेना होगा, उसके बाद अपडेट करना होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद पेमेंट करना होगा। तो इस प्रोसीजर के बाद आपको फिर से लॉगिन पेज में जाकर बाकी भी डिटेल्स फिलअप करना होगा। ये था जॉब का पूरा डिटेल्स। अगर इस तरीके से जॉब आपको चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और मैं नया सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ जो कंप्यूटर स्किल के, वो सीरीज़ आपको हर शाम में वीडियो मिलेगा, जो वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेगा कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, कि मेरा 15 साल के एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो कॉर्पोरेट का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जाकर चेकआउट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।